प्रत्यक्ष अपन रोज देखते हैं, अर्थी जाते हुए देखते हैं, फिर भी अंदर से नहीं लगता कि मैं शरीर के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। रात और दिन जब से जन्म हुआ है, माँ बाप ये कभी नहीं कहते कि आत्मा को जानो, सब क्या कहते, अच्छा खाओ पियो, शरीर मजबूत बनाओ, शरीर पुष्ट करो, ताकतवर बनो, इंटेलिजेंट बनो, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, घर बनाओ। कोई नहीं कहता कि आत्मा को जानो, कोई कहता है, क्योंकि खुद को भी ये समझ में नहीं आता कि आत्मा ही सुख का कारण है। तो जो सुख का कारण दिखाई देता है, माँ बाप वही उपदेश देते हैं, खैर ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर चलो, पूजा करो, भक्ति करो, ये जिनेन्द्र भगवान है इनके दर्शन करो। फिर भी कोई नहीं ये बताता कि आत्मा का आश्रय करो अगर सुखी होना है तो। ख्याल में है ना, और जो बाहरी संस्कार होते हैं, ये जो माँ बाप देते ना सामाजिक संस्कार, ये इसलिए देते हैं कि बच्चा हमारा समाज में रहना है, समाज के हिसाब से चले और संस्कारवान बना रहे। अंदर से इसको आत्मा मिल जाए, इसको आत्मानुभव हो जाए, ये भाव नहीं आता। पता क्यों नहीं आता, क्योंकि खुद को ही वो भाव नहीं है, तो दूसरे को बच्चे के प्रति कैसे आए। इसलिए हमारा बच्चा मंदिर जाए, पूजा करे, प्रक्षाल करे और स्वाध्याय में बैठे, लेकिन अंदर में आत्मानुभव करे, इसके बिना कुछ नहीं है, ये भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि आप ये मत समझना आदमी मंदिर धर्म के लिए आता है, ये कभी जरूरी नहीं है। 99% लोग मंदिर समाज के कारण, व्यवस्था के कारण, डर के कारण, लोभ के कारण, कितने कारण बताए, सामाजिक व्यवस्था के कारण, डर के कारण और लोभ के कारण इसके लिए आते हैं। और कोई कारण नहीं है, कोई किसी को आत्मा नहीं चाहिए, किसी को आत्मानुभव भी नहीं चाहिए। इतने सारे लोग रोज मंदिर आते क्यों आते, कोई इनको आत्मानुभव करना है, आत्मानुभव करना ही नहीं है, वो टारगेट में नहीं है, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो फिर साहब रोज मंदिर आते हैं, पूजा के, भाई ये तो एक परंपरा है, एक सामाजिक व्यवस्था है, और भगवान करता हर्ता मानता है कि वह कैसे करता धरता मानता है। हिंदू परंपरा में तो डायरेक्ट मानते हैं सीधा, और जैन परंपरा में पुण्य बंधेगा, अच्छे भावों से पुण्य बंधेगा, बुरे भावों से पाप बंधेगा, भगवान का प्रक्षाल करने से साथ ही से पुण्य बनता है, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से बहुत पाप कट जाते हैं। तो है वही फिलोसफी, फिलोसफी में अंतर नहीं है। अरे चाहे तुम पुण्य से भीख मांगो और चाहे भगवान से भीख मांगो, भीख तो मांगी ना, भीख मांगने में क्या अंतर है, लक्ष्य तो वही का वही है। वो सीधा भगवान से कह रहा, भगवान मेरी पीड़ा हल लो, और तुम इंडायरेक्ट कह रहे हो कि भगवान तुम तो करता धरता नहीं हो, लेकिन तुम्हारी भक्ति से साथी से पुण्य बनता है और दुख दूर हो जाते हैं, पीड़ा दूर हो जाती है। तो बाद में दम क्या है, बात तो वहीं की वहीं, कुल मिला के पीड़ा दूर करने की बात है। इसीलिए याद रखो ये बात, गांठ बांध लो, आत्मानुभव बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग, उसका तुम्हारी बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लेना देना नहीं है कि जो हमारा बाहरी जीवन है वो बाहर के वातावरण पर डिपेंड करता है।